नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम लोग श्री कृष्णपुर कोल्ड स्टोर के सामने और किसान को रोक किसान जो संगठन है सारा नियुक्त किसान उनकी ओर से जो है किया जा रहा है कि उत्तर जिले में इस्लामपुर महकुमा में आलू की जो खेती होती है और इस साल जो जानकारी आ रही है कि जितना संख्या है यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की, चार संख्या कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन उसमें जो है आलू रखने का जितना कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है प्रोडक्ट उसी जो है आप सभी को किसान मोर्चा की ओर से इस वक्त देख पा रहे हैं किसानों और विभिन्न जो संगठन है सारा भारत संयुक्त किसान मोर्चा के उनकी ओर से इस वक्त जो है श्री कृष्णपुर जो है उस कोल्ड स्टोरेज के सामने यहां पर किसान साथ ही साथ सारा संयुक्त किसान जो संगठन है उसके सदस्य यहां पर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस कारण से यह विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है, क्या मूल कौन सी मांगों कर जो है चल रहा है जो कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले की कोशिश करेंगे कि यहां पर देख पा है क्या मांगे हैं, किन से रखकर जो है यहां पर चल जो है उस कोर्ट के सामने इस वक्त जो है विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है। उल्टी दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो है काफी लंबा है। पर देख पा रहे हैं कुछ किसान मोर्चा के नेता हैं, उनसे हम लोग सीधे बात करेंगे की कारण आज के अपना पहुंचने में की कारण रही है, की दाबी रही है आज के अच्छे जे आमादेर जे आलू चाषी कृषक दाबी ते जे कोल्ड स्टोर थे घोषणा कर जे 50 टाका पर पैकेट एडवांस टाका दिए बन किनते हबे एवं हच्छे जे प्रति बने 50 पैकेट करे आलू तारा हच्छे जे बन देबे। आमादेर दाबी हच्छे कोनो एडवांस कृषकेर काछ थेके नेवा जाबे ना एवं हच्छे जे प्रति आधार कार्ड कृषकेर प्रति 100 करे हच्छे जे आलुर बस्तार बन दिते हबे एवं हच्छे जे तार प्रति प्रकृत कृषक बन बिलि करते हैं हमें सरकार के न्यूनतम 1000 टाका क्विंटल आलू किनते हैं। तीनटे दाबी मूलत आज के इखाने हे अवस्थान हे जातीय सड़क उपरे कर स्टोर गुलोते बन देवा शुरू होनी ना इतिमध्ये लम्बा लाइन देखते कृषक शुए स्टोर सामने ये विषय एवं कृषक जे भारतवर्षर जे अन्नदाता कृषक आज के हे আমলারা আমাদের ইসলামপুরের আমলারা কৃষকের মালিকের কাছ থেকে হচ্ছে যে তারা সেটিং করেছে এবং কৃষকের হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে বুলডোজার চালাচ্ছে যে 50 টাকা আলুর যা দর মাঠে হচ্ছে যে 30 টাকা করে হচ্ছে যে 30,000 টাকা হচ্ছে যে গাড়ি তারা হচ্ছে আলু কিনবে এবং হচ্ছে যে কৃষকের কাছে আলু উঠার পয়সা নাই, বস্তা কেনার পয়সা নাই, মহাজনী করে হচ্ছে আলু হচ্ছে চাষ করেছে আজকে সেখানে দাঁড়িয়ে কৃষকের কাছ থেকে বলছে পার প্যাকেট এবং হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে 50 টাকার ডিমান্ড করেছে। আমলারা হচ্ছে যে পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করছে, কৃষকের স্বার্থে কেউ কাজ করছে না, সেই জন্য কৃষক বন্ধুদের নিয়ে আজকে আমাদের অবস্থান কোনো বন্ডের অ্যাডভান্স নেওয়া যাবে না এবং পার বন্ড পার কৃষকের কাছ থেকে 100 প্যাকেট আলু নিতে হবে। কত বছর দেখেছি আমরা স্টোরেজে আলু রাখাকে কেন্দ্র করে একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছিল, আপনারা আগে থেকে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছিলেন, তারপরও এখন অবধি কৃষকরা দ্বিধায় রয়েছে, কোনো সুরাহার হয়নি, এখন অবধি বন দেওয়া হয়নি, আগামীকাল থেকে শুনছি বন দেওয়া হচ্ছে, এই বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখছেন, প্রস্তুতি কি আগে থেকে নেওয়া হয়নি? আমরা আছে যে 15 দিন আগে এসডিও সাহেবের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম যে কৃষকের কাছ থেকে কোনো অ্যাডভান্স হচ্ছে যে নেওয়া যাবে না, প্রকৃত কৃষকের আলু হচ্ছে কৃষকের রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, এই ডিমান্ড আমরা করেছিলাম। কিন্তু হচ্ছে এসডিও মহাশয়
আমাদের কৃষকের কাছ থেকে বা আমাদের কাছ থেকে কোনো সুরাহার হচ্ছে যে আমাদের ডাকেনি, সেই জন্য আমরা বাধ্য হয়ে আজকে রাস্তা অবরোধের হচ্ছে যে অবস্থান আমরা। আমি আব্দুল করিম, কৃষক সভার, সারা ভারত কৃষক সভার জেলা কমিটির সদস্য। यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है, हजार श्री कृष्ण है उसको धीरे की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है मूल समस्या जो है आ रही है बॉन्ड प्राप्त करने में, किसान अभी भी दुविधा में है, किसी तरह का कोई बॉन्ड जो है उन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ से बात करने की कारण है आपके रास्ते नहीं बचे, आज हमारा रास्ता नहीं बचे, एडवांस पहुंचाते आपको बस्ता बस्ती जाए आबार बोल जाए एक आधार कार्ड पहुंचाते बस्ता दो अभी हमारा कत गुला आधार कार्ड नहीं आसबो एक मानस हमें एक आधार कार्ड दीब कत गुला आधार कार्ड दीब हमें पंचाश दस बीघा आलू लगे এখন আমাকে 10 বিঘা আলু যদি আমার 1000 বস্তা হয় আমি 20টা আধার কার্ড কোথায় থেকে জোগাড় করবো, সে কথা আমাদের ইনশাল্লাহ জবাব দেব, আমার জবাব চাই। প্রশাসন থেকে আমরা অনেক দাবি করেছি, প্রশাসনকে আমরা অনেকবার বলেছি, ইডিওর কাছে গেছি, এমএলএ এর কাছে গেছি, আমাদের কোনো কিছু এখনো হয়নি হল। এখন আজকে কালকে 12 তারিখ কালকে আমাদের বলে বন দিবে আবার ওই 50 টাকায় ধরে, আমরা কোথায় থেকে টাকা পাবো কিষাণ? আমরা তো অনেক ঋণ মন্ত্রী, আপনাদের দাবি কি কি দাবি চাইছেন, কি চাইছেন আপনি? এখন আমাদের দাবি যে আমরা টাকা দিতে পারবো না, আর আমাদের একটা আধার কার্ডে ম্যাক্সিমাম 200 বস্তা দেওয়া হোক, আমাদের দাবি এটাই। जैसा कि किसान मांग कर रहे हैं कि एडवांस जो रुपया मांगा जा रहा है वो किसान नहीं दे पाएंगे, पहले से ही जो है खेती बाड़ी में काफी रुपया जो है किसान लगा चुके हैं, साथ ही साथ जैसा बता रहे हैं कि एक किसान जो है लगभग जो है 10 बीघा 15 बीघा करके जो है आलू की जो है खेती बाड़ी किए हैं, उनको सिर्फ एक आधार कार्ड के ऊपर सिर्फ 50 पैकेट ही का जो है बॉन्ड दिया जाएगा, ऐसा जैसा किसान बता रहे हैं। और इन सब कारणों से किसान जो है काफी दुविधा में है, जिनके द्वारा पूरा भारतवर्ष चलता है, पूरा देश चलता है, किसान जो है फसल उगाते हैं उसके बाद ही जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है आम जनता से साधारण व्यक्ति जो है उन फसल का जो है उपभोक्ता होते हैं, उसका फायदा लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे धीरे किसान जो है राज कर चुके हैं, यहाँ पर विक्रोध कर रहे हैं, चाहेंगे पिछले ने देखा था कि काफी समस्या होना पड़ा था, 3 किलो लाइन लगी थी और एक आलू रखने में ऐसा भी गया है कि 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक जो है इसी जातीय सड़क के ऊपर वेट करना पड़ा है, गाड़ी लगा कर रखना पड़ा है, और उसके बावजूद जो है कोल्ड स्टोर में आलू नहीं रख पाए हैं। और इन सब कारणों से इस साल पुनः हर साल इस वक्त जो है आलू जो है कोल्ड स्टोर में ढुकना शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल अभी तक जो है कोल्ड स्टोर में आलू नहीं रख पाए हैं, जहाँ तक कि बॉन्ड नहीं रख पाए हैं। और यहाँ पर नेतृत्व है कि बोलबें की कारण आज के बाध्य हो अपना पौधे नाम आज के बंध जेटा हे आलू রাজ্যে যে উৎপাদন হয়েছে তা আলু বাজার দরে যা বিক্রি হচ্ছে তা কৃষকরা আত্মহত্যার সামিল, অতএব এই আলুর বন যেটা দেওয়া হচ্ছে 50 প্যাকেট করে আমরা এর বিরোধিতা করছি, একটা আধার কার্ডে 100 প্যাকেট করে কমপক্ষে 100 প্যাকেট একটা আধার কার্ডে, হ্যাঁ 100 প্যাকেট কমপক্ষে 100 প্যাকেট আধার কার্ড মানে দিতে হবে, প্যাকেট পিছু 50 টাকা করে না চলবে না, রাজ্য সরকারকে 1000 টাকা কুইন্টাল ধরে আলু চাষিদের কাছ থেকে আলু ক্রয় করতে হবে। এই কয়েকটা দাবিতে দালাল চক্র যেটা চলছে সেই দালাল চক্র হিমঘরে দালাল চক্র ও রাজ বন্ধ করতে হবে, এবং প্রকৃত কৃষক যাতে আলু হিমঘরে রাখতে পারে তার দাবিতে আমরা আজকের এই আন্দোলন সংগ্রাম করছি। বিলকুল কিষাণ আম জনতা সাধারণ ব্যক্তি জো काफी दिनों से साल भर इंतजार करते हैं कि आलू की खेती बाड़ी इस्लामपुर महकुमा में बहुत अच्छा होता है, और आलू की खेती करके किसान जो है करेंगे, और यहाँ की सड़क के दोनों यहाँ पर किसान जो है विक्रोध कर रहे हैं, और किसान 10 बीघा करके जो है यहाँ पर जो है खेती बाड़ी, लेकिन उनको एक आधार के ऊपर सिर्फ 50 जो है
बॉन्ड मिल रहा है, जिस कारण से किसान जो है समस्या का जो है समाधान समस्या का सामना कर रहे हैं, जिस कारण से आप होकर जो है जातीय सड़क के ऊपर जो है किसान यहां पर किसान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, तथा उनकी साफ साफ मांगे हैं कि पैकेट में वृद्धि हो, तथा अग्रिम जो रुपया करने की बात रही है उससे जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, साथ ही साथ पैकेट की जो संख्या है 50, इन सब कारणों से यहां पर देख पा रहे हैं कि किसान आज रास्ते पर उतर चुके हैं। हम लोग आप से बात करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ क्या कहना है उन किसानों का, क्यों बाध्य हुए हैं आज रास्ते पर उतरने के लिए, अवश्य जो है इसकी आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख पाए आप सभी को बताना चाहेंगे जो अभी अभी जुड़े हैं न्यूज टुडे इंडिया के साथ, सभी को बताना चाहेंगे इस्लामगत श्री कृष्णपुर का जो को है उनको के सामने पर कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कल से जो है आप के लिए जो है बॉन्ड दिया जाएगा, और उससे पहले ही जो है यहाँ पर किसान कि जिस तरह से जो है सिर्फ एक किसान को एक कादा पर सिर्फ 50 पैकेट दिया, किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण किसान आज रास्ते पर उतरे हैं, सारा किसान मोर्चा की ओर से यहां पर जो है विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही साथ चाहेंगे कि लगातार पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि किसानों को कोविड में जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिस कारण से इस साल जो है अभी तक जो है कोल्ड स्टोरेज में किसान तो आलू रख ही नहीं पाए हैं, कल से जो है बॉन्ड देना प्रारंभ हो रहा है, और उससे पहले ही जो है आज किसान जो है रास्ते पर उतर चुके हैं, यहाँ पर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोक कर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं, और सड़क के दोनों ओर देख पा रहे लंबी लाइन है, गाड़ी की लंबी लाइन लग चुकी है, और किसान जो है अभी भी रास्ते पर मौजूद हैं, अपनी मांगे जो है अभी भी लगातार रख रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे कृषक जो है वह काफी उत्तेजित हो जा रहे हैं, जो गाड़ी जो है रास्ता क्रॉस करके जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है काफी ज्यादा संख्या में किसान जो है हर तरह से रोक कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को आएंगे श्री कृष्णपुर का जो कोल्ड स्टोरेज है उस के सामने से इस वक्त लाइव संप्रसारण देख पा रहे हैं, और इस्लामपुर पुलिस जिला है यहाँ पर आप पहुंची है, आप लोगों को वह दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर पुलिस जिला की जो टीम है वह जो है यहाँ पर आ चुकी है, और संभव जो है इस वक्त जो है किसानों के साथ बात की कोशिश करेगी। आप सभी को बताना चाहेंगे इस्लामपुर पुलिस जिला के जो पुलिस अधिकारी है वह जो है घटना स्थल पर आए हैं, तथा यहाँ पर जो जातीय सड़क रोक कर जो है किसान विक्षोभ कर रहे हैं, इस वक्त जो है उस जातीय सड़क के ऊपर जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं इस्लामपुर पुलिस जिला की जो पुलिस अधिकारी हैं वह जो है इस वक्त जो है घटना स्थल पर आए हैं, और इस वक्त जो है किसानों से बात की कोशिश कर रहे हैं, देख पा रहे हैं सीधा न्यूज टुडे के पर्दे पर। आप सभी को बताना चाहेंगे श्री कृष्णपुर के सामने मूलतः
दाबियों को लेकर जो है, कुछ दाबियों को लेकर जो है यहाँ पर सारा भारत किसान सभा रोक कर जो है विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पर जातीय सड़क पे आए हैं तथा इस वक्त जो है किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो है पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं इस्लामपुर पुलिस जिला के, वह किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसानों के जो नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो बातें रखनी है वह प्रशासन के पास जाकर अवश्य बातें रखें, लेकिन जातीय सड़क अवरोध न करें क्योंकि यह एक इमरजेंसी सर्विस है। और यहां पर किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक समझौता के तहत जो है यहाँ से जातीय सड़क को जो रोक कर रखा गया है, इस जातीय सड़क के ऊपर से जो है अवरोध को जो है यहाँ से कहेंगे कि सारा भारत किसान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मूलतः आलू जो चासी हैं, आलू के जो किसान हैं, वह कुछ दावियों को सामने रखकर देख पा रहे हैं। सारा भारत संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो हर पैकेज दिया जा रहा है उसका जो है अनुपात के हिसाब से जो है बॉन्ड जो है देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है किसी तरह का एडवांस जो है नहीं दिया जाएगा, और कम से कम जो है 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की ओर से जो है सरकार को जो है आलू खरीदना पड़ेगा। इन सब मांगों को लेकर जो है यहाँ पर किसानों की ओर से विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है। लंबी लाइन लग चुकी है सड़क के दोनों ओर, और यहाँ पर देख पा रहे हैं सैकड़ों किसान जो है इस वक्त भी रास्ते के ऊपर मौजूद हैं। इस्लामपुर पुलिस जिला के पुलिस अधिकारी जो है यहाँ पर आए हैं, किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है कृषक जो है रास्ते पर ही है, विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे बड़ी खबर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, हम लोग श्री कृष्णपुर जो कोल्ड स्टोरेज है उस कोल्ड स्टोरेज के सामने, और यहां पर देख पा रहे कि किसान अभी भी जो है किसी तरह से रास्ता नहीं छोड़ना चाह रही है, विक्षोभ प्रदर्शन जो कर रहे हैं लगातार, अभी भी जो है विक्षोभ प्रदर्शन नहीं खोलना चाह रहे हैं, अभी भी जो है रास्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं, और लगातार जो है यह विक्षोभ प्रदर्शन जारी है। লোক ফোন আগে আনা পড়া করে লোক আলু খাইয়া আলা ফেটা গেল কথা আছে।
आप सभी को बताना चाहेंगे कि विक्षोभ अभी भी प्रदर्शन है, कुछ किसानों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मूलतः देखिए भाई, आलू लगानो हमसे तो चासी लाला की गर्म के दामो टाका तो पैकेट আপনারা চাষ করেছেন আইডিয়া কত প্যাকেট চাষ 2 বিঘা 2 বিঘা আমি কইছি 2 বিঘা কত প্যাকেট রাখতে পারবেন আপনারা টাকা টাকা না তো কি করে রাখবে আলো স্টোরে এডভান্স চাওয়া হচ্ছে হ্যাঁ এডভান্স টাকা চাইছে আমি আমি এখন আমি এডভান্স পর পয়সা মাংছে কত 50 পকেটে তুমি স্টোরে ঘুষাবেন তো পহলে 2500 টাকা লাগবে এখন আমাদের পয়সা নাই আগে কি এরকম সিস্টেম না আগে আগে এরকম সিস্টেম ছিল না আগে ছিল না এটা ছিল না এটা এটা এই বছরে হলো আগে ছিল না স্যার আগে ছিল না কত গুলো লাগবে আমাকে সব চাষীদের মাল ঢুকে যায় আমার স্টোরে আগে যেমন ছিল তেমনও হয় किसानों की जो मांग है सीधे तौर पे कि पैकेट सिर्फ 50 दिया जा रहा है और फलन जो है काफी ज्यादा हुई है। आलू का दाम जो है 1 क्विंटल प्रति 1000 रुपया किलो होना चाहिए, 1 क्विंटल में हमको 1000 रुपया चाहिए। जैसे मांग है कि पैकेट जो है सिर्फ 50 दिया जा रहा है, लेकिन कम से कम 100 पैकेट पर किसान जो है कम से कम स्टोरेज में रखने के लिए जो है कोल्ड स्टोर में रखने के लिए संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ हर साल जो है एडवांस रुपया नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन जैसा इसका इंस्टॉल का मांग है कि पर पैकेट हो सकता है कि 50 रुपया एडवांस मांगा जा रहा है, जिस कारण से आज किसान जो है रास्ते पर उतर चुके हैं और विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं, जातीय सड़क भी रोक कर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार किसान जो है समस्या में पड़े हुए हैं, क्योंकि हर साल जो है इस वक्त आलू रखना प्रारंभ, लेकिन इस्लामपुर शहर के पास में जो 4 स्टोरेज है उनका अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, जिस कारण से किसान जो है काफी समस्या में है और मांगों के लिए इस वक्त जो है रोक कर जो है रास्ते पर उतर चुके हैं तथा विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस्लामपुर पुलिस जिला के पुलिस अधिकारी है जो घटना स्थल पर आए हैं, यहां पर आए हैं, जातीय सड़क रोक कर जो किसान खड़े हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाधान जो है अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग किसान बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान भी हरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अभी भी जो है नहीं Thank you.
प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है, अभी भी जो है किसान जो है रास्ते पर खड़े हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे। सड़क के दोनों ओर देख पा रहे हैं जो लंबी लाइन लग चुकी है, सड़क के दोनों किनारे जो है लंबी लाइन लग चुकी है, लेकिन किसान जो है अपनी मांगों पे खड़े हैं। मूलतः हर साल जो है इस्लामपुर महकुमा में खास करके जो आलू की जो खेती बाड़ी होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उस खेती बाड़ी अच्छी खेती बाड़ी होने के बाद भी जो है उस आलू को रखने में जो है किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी को बताना चाहेंगे सारा भारत संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो है यह आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर कुछ नेतृत्व भी मौजूद हैं, उनसे भी बात की कारण आज के बाध्य हो अपना कृषक पासे दाड़ाते एवं हमारा देखते पाची कृषक किंतु विशाल विक्षुब्ध रही है, तारा को सुरहा पाचे ना कि बोलें विषयटा नहीं। মমতা ব্যানার্জির রাজত্বে আগে আমরা কখনো পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যা করছে দেনার দেয়, কিন্তু আজকে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে কৃষক বাধ্য হচ্ছে। আজকে আলু চাষিরা আলু তারা হচ্ছে ধার নিয়ে লোন নিয়ে ব্যাংকে ব্যক্তিগত লোন ইত্যাদি নানানভাবে তারা হচ্ছে টাকা পয়সা জোগাড় করে আলু চাষ করেছে। এখন আলুর যা ফসল উৎপাদন হয়েছে এই আলু তো হচ্ছে একদিনে অন্তত পক্ষে 100 প্যাকেট আলুর বন্ড দিতে হবে, এইটা হচ্ছে প্রশাসনকে আগে ব্যবস্থা নিতে হবে। দুই, এই যে হচ্ছে এবার নতুন এরা হচ্ছে রাজত্ব, এরা নতুন হচ্ছে নিয়ম তৈরি করেছে যে এক প্যাকেট আলু রাখার জন্য 50 টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে হিমঘর মালিককে। কি করে দিবে কৃষক? কৃষক তো ধার করে দেনা করে আলু চাষ করেছে, তারপরে সেই উৎপাদিত আলুকে জন মজুর দিয়ে প্যাকেট করা, প্যাকেট কেনা, বস্তা কেনা, গাড়ি করে হচ্ছে হিমঘরে পাঠানো, প্রচুর খরচ। এবার হচ্ছে কৃষকের উৎপাদিত যে ফসল আলু, সেই আলুটা তো আপনার কাছে হিমঘরে থাকছে, মালিকের কাছে থাকছে, তা সত্ত্বেও তাকে কেন 50 টাকা করে অ্যাডভান্স দিতে হবে? এর বিরুদ্ধে এক পয়সাও অ্যাডভান্স নেওয়া যাবে না, বিনা পয়সায় আলু হচ্ছে রাখতে হবে। এটা হলো দুই নম্বর দাবি। তিন নম্বর দাবি, যে সব কিছুর পরেও কৃষককে যদি বাঁচাতে হয় কৃষকের কাছ থেকে রাজ্য সরকারকে আলু কিনতে হবে। আমাদের দাবি 1000 টাকা প্রতি কুইন্টাল রাজ্য সরকার সরাসরি, কোনো ফোরে দালাল না, সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনে নিক, তাহলে কৃষক খানিকটা বাঁচবে। এই তিনটা হচ্ছে আমাদের মূল দাবি। আর এর সঙ্গে এই দাবিগুলো যেমন মানতে হবে, আর হিমঘরকে কেন্দ্র করে যে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী আর হচ্ছে আমলাদের আর যে একেবারে রাজ্য সরকারের যে সিন্ডিকেট, যেটা চক্র যেটা তৈরি হয়েছে, এই দালালি রাজটাকে হচ্ছে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, নাহলে কৃষক না খেয়ে আত্মহত্যা করবে আর ওরা হচ্ছে মজা লুটবে, এটা হচ্ছে চলতে পারে না। এই কারণে কৃষকরা আজকে রাস্তায় নেমেছে, আমরা কৃষকদের পাশে আছি। আমরা সিধে বাত কর রহে থে ডিওয়াইএফআই নেতা গৌতম বর্মন সে জেসা বতা রহে হ্যায় কি হর সাল জো হ্যায় देना पड़ रहा था, लेकिन इस साल कोल्ड स्टोरेज की ओर से जो निर्णय किया गया है कि पर पैकेट 50 रुपये एडवांस देना पड़ेगा, जो किसान किसी भी जो है तौर पे राजी नहीं हो रहे देने के लिए। साथ ही साथ हर साल जो एक था किसान जो है बॉन्ड लेते थे और पैकेट रखते थे आलू के, लेकिन इस साल जो निर्णय कर दिया गया है कि एक कार्ड के ऊपर पैकेट रख पाएंगे बॉन्ड में, तो बाकी आलू कहाँ रखेंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पर क्विंटल 1000 रुपया की कीमत से सरकार को जो है आलू खरीदना पड़ेगा। और इन सब मांगों को लेकर आज कल जो है बॉन्ड देना प्रारंभ होगा विभिन्न स्टोरों में, और उससे पहले आज इस्लामपुर शहर के श्री कृष्णपुर इलाके में कोल्ड स्टोरेज के सामने जातीय सड़क को रोककर ईश्वर विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है। किसान नेता जो है या फिर कृषक जो है अभी भी रास्ते पर मौजूद हैं, हालांकि इस्लामपुर पुलिस जिला के अधिकारी यहां पर आए हैं, किसानों से बात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान बात कर रहे हैं कि जब तक इन मांगों को नहीं रखा जाए, जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाए, तब तक किसान जो है इस जातीय सड़क के ऊपर से अपना धरना या फिर विक्षोभ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वह नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, देख पा रहे हैं प्रारंभ में जो है 200-400 किसान थे, लेकिन अभी जो है संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो है किसान मौजूद हुए हैं और अपनी मांगों पे अटल है। आप सभी को बताना चाहेंगे सारा भारत किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से इस वक्त विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है। इस्लामपुर शहर के ठीक पास में श्री कृष्णपुर का जो जातीय सड़क है को ठीक सामने जो है यहाँ पर किसान जो है विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सामने रखकर यहाँ पर विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है, कि क्योंकि इस इलाके में
आलू की खेती बाड़ी जो है काफी अच्छा होती है, हर साल के मुकाबले फसल जो है इस साल भी काफी अच्छा उगी है, जिस कारण से उस फसल को मेहनत के बाद और रुपया लगाने के बाद जो उसको रखने में जो समस्या हो रही है, उन सब समस्याओं को सामने रखकर जो है इस वक्त विक्षोभ प्रदर्शन जारी है। और लगातार जैसा बता रहे हैं किसान कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तब तक लगातार उन लोगों की जो मांग है, विक्षोभ प्रदर्शन है, वह जारी रहेगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी जातीय सड़क जो है रोक के रखा गया है, सड़क के दोनों ओर जो गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है, देख पा रहे हैं सड़क के दोनों ओर जो है गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। इस्लामपुर पुलिस जिला के जो पुलिस अधिकारी है वह भी जो है घटनास्थल पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं तथा अभी भी जो है यहाँ पर मांगे रख रहे हैं कि जब तक जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तब तक जो है उन लोगों का विक्षोभ प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पर कुछ और किसान हैं जो क्योंकि आलू का जो खेती बाड़ी होती है उसको लगाने में काफी रुपया खर्चा करना पड़ता है, सोना गहना से लेकर काफी चीजों का इन्वेस्ट करके जो है रख के जो है बंधक रख के उसके बाद आलू की खेती करते हैं, और उस आलू को ठीक से कोल्ड स्टोर में नहीं रख पाए तो बाहर वह आलू नष्ट हो जाएगा। और 4000 रुपए कुंटल खरीद के और यूरिया सार जो है 1500 रुपए कुंटल के हिसाब से हम लोग खेती किए हैं आलू का खेती, तो अभी जो आलू हम लोग कोल्ड स्टोर में रखने के लिए आए हैं तो यहाँ 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से मांग रहे हम लोग से, और यहाँ इतना लंबी लाइन लगा है जो मैंने आधा लाइन खत्म होते ही कोल्ड स्टोर बंद हो जाता, बोलता है जो यहाँ जगह है नहीं, तो हम लोग जो है ना बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं। लास्ट में हम लोग को ये नौबत आ जाता है, हम लोग को आत्महत्या करने का नौबत आ जाता है। तो आलू का रेट तो अभी कुछ है नहीं, 2 रुपये किलो के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन यहाँ पैसे पहले ही मांग रहा है, और हम लोग के ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है बैंकों से, सोना गहना को बंधक दिए हैं, किसी से धार उधार किए हैं, वो सब कैसे अदा करेंगे, उससे अभी आलू हम लोग खेत से उठाए नहीं है, उससे पहले हम लोग से पैसे मांग रहे हैं यहाँ 1000 रुपये प्रति कुंटल, वो भी एडवांस मांग रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आजाद आलम है, हम इस्लामपुर से। विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान जो है लगातार यहाँ पर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। जुड़े रहिए इसी तरह के न्यूज़ अपडेट जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज़ इंडिया के साथ।